अक्षय कुमार और भूमि पडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 11 दिन पूरे हो चुके हैं। ये फिल्म पीएम मोदी के स्वच्छ अभियान पर आधारित है। इस फिल्म ने 11वें दिन 5 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी फिल्म ने अब तक लगभग 120 करोड़ की कमाई की है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म दूसरे हफ्ते भी तहलका मचा रही है। फिल्म का ओवरऑल बजट 40 करोड़ है। बता दें कि टॉयलेट एक प्रेम कथा को 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म ने अपने 11वें दिन भी जबरदस्त कमाई कर ये साबित कर ही दिया इस फिल्म को लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। इस फिल्म से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर विषय अच्छा हो तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। वही अब हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ये फिल्म 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करती है।